Hello students, for all the CA students who are appearing in this November 2020 exams, a new notification has been come up, which is very important. You should know because many students have given opted for opt-out because of any reason, क्योंकि maybe exam अच्छा नहीं गया या फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को कोविड हो गया या खुद को कोविड हो गया उसके ऊपर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है सीए इंस्टीट्यूट ने व्हिच इज वेरी मच जेन्युइन तो ये देखो अनाउंसमेंट्स आया है 27 नवंबर टुडे इटसेल्फ वेयर दे हैव आस्क्ड एनी पर्सन कि जिन्होंने एक या दो पेपर देने के बाद उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया सेइंग दैट वी आर कोविड you know you affected by the COVID or you have personally turned out COVID इन्होंने यहाँ लिखा the most important line that they have personally turned out COVID तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि आपको examination center में आप नहीं गए हो just because you have turned out COVID so you need to submit मतलब जो भी person ने opt out बोला है just saying this word they have to submit along with the admit card their reports doctor's report कोई भी medical report जिसमें वो positive आए हो वो दिखाना पड़ेगा just saying that कि मैं opt out कर रहा हूँ because मुझे COVID हो गया will not be valid यहाँ नहीं चलेगा because बाकी center जहाँ आप जा रहे थे students जिनके साथ आप बैठ रहे थे एरिया जहाँ अफेक्टेड हुआ है उनके लिए वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज अगर आप क्लासरूम में दो दिन गए और उसके बाद तीसरे दिन नहीं गए बस जस्ट सेइंग दैट यू वर टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव देन इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड फुल सेंटर सो इन दैट केस आपको बहुत जरूरत है एडमिट कार्ड के साथ मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने का डिक्लेरेशन देने का कि येस आई हैव बीन टर्न्ड आउट बट इट्स नॉट फॉर अगर आपके फैमिली में हुआ है तो उनके लिए नहीं है ये आपके लिए है सो ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली ऑप्ट आउट किए हैं एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं उनके लिए जेन्युइन है और उनको देना चाहिए लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो उन स्टूडेंट्स जो एक पेपर दो पेपर अच्छा नहीं गया और ऑप्ट आउट कर लिए है उनके लिए तो बहुत डेंजरस हो गया अब दे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव द दे आर नॉट एबल टू गिव दैट प्रूफ तो वो जान में भी नहीं बैठ पाएंगे सो प्लीज आप लोग जो भी डिसीजन ले रहे हो प्रॉपरली लो बिकॉज टाइम टू टाइम सीए इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं और आपको इसमें भी बहुत ज्यादा यू नो अलर्ट रहना है सो टेक दिस अकाउंट एंड प्लीज जितना जल्दी हो सके आप इस मेल आईडी पे अपने अगर आपको आपने ऑप्ट आउट किया बिकॉज ऑफ दिस कोविड पॉजिटिव तो आप सबमिट कर दीजिए रिपोर्ट थैंक यू